Hi students, hope you're doing good. In our previous lecture, we have learned about dispersal of seeds. We have discussed two agents for the dispersal of seeds, that are dispersal by wind, dispersal by water. Let us discuss about the another agents, that is dispersal by animals and dispersal by explosion. First is dispersal by animals. How animals help in dispersal of seeds? Some seeds have a hook-like structure that help them to cling on the animal's fur. Kuch seeds ka jo structure hota hai, wo hook-like hota hai, hook ke jaise hota hai. Aur jisse kya hota hai ki wo animal ke fur ke upar cling ho jate hain, chipak jate hain. And have a sticky substances. और कुछ सीड्स के ऊपर कुछ स्टिकी सब्सटेंसेस लगे होते हैं जिससे वो एनिमल की स्किन के ऊपर चिपक जाते हैं. दिस वे द सीड्स आर कैरिड अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट. एग्जांपल्स ऑफ सच सीड्स, फर्स्ट इज कॉकलेबर. कॉकलेबर इज छोटा धतूरा. सेकंड इज मिसलेटोई. व्हाट इज मिसलेटोई? दिस इज अमर बेल. अमर बेल एक ऐसा प्लांट होता है जो किसी भी प्लांट के ऊपर अगर लग जाए ना, तो वो उसी प्लांट से अपना न्यूट्रिशन, अपना फूड लेता है, और जो जिस भी प्लांट पे ये लगा होता है उस प्लांट को एकदम किल कर देता है, क्योंकि ये उसी से अपना फूड लेता है, अपना फूड खुद नहीं बनाती. देन इज बेरीज. दीज आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ सीड्स डिस्पर्स बाय एनिमल्स. डिस्पर्जल बाय एक्सप्लोजन. नाउ व्हाट इज एक्सप्लोजन? एक्सप्लोजन मीन्स जब भी कोई चीज बर्स्ट सडनली ओपन होती है, एकदम से ओपन होना. सम सीड्स आर फाउंड इनसाइड पॉड्स. कुछ सीड्स पॉड्स में मिलते हैं, इनकी कवर्स में मिलते हैं, दैट एक्सप्लोड और स्प्लिट ओपन व्हेन एक्सपोज टू सन और इवन व्हेन टच्ड. जब भी वो सन के कॉन्टेक्ट में आते हैं, धूप के कॉन्टेक्ट में आते हैं, या इवन कुछ सीड्स ऐसे जिनको आप सिर्फ टच करते हैं, वो बर्स्ट ओपन होते हैं, एकदम से ओपन हो जाते हैं. When pods are burst open, seeds are scattered far away. जब pods एकदम से open होते हैं, जो उनके seeds होते हैं उनके अंदर, वो दूर दूर तक चले जाते हैं. Examples of such seeds are pea, peanut, मूंगफली, castor, अरंडी and balsam. Balsam is a gul mehndi plant. Our next topic is new plant from roots. जनरली अपने पढ़ा कि सीड से प्लांट बनता है. नाउ वी विल डिस्कस हाउ रूट्स फ्रॉम न्यू प्लांट. रूट से भी एक प्लांट बन सकता है. रूट्स ऑफ सम प्लांट्स सच एज कैरेट, बीटरूट स्टोर फूड. कुछ प्लांट्स की रूट्स फूड स्टोर करती हैं, हमने पढ़ा है. एग्जाम्पल कैरेट्स, रेडिश, टर्निप, बीटरूट. दीज रूट्स कंटेन स्मॉल बड्स फ्रॉम विच न्यू प्लांट ग्रोज. इन रूट्स के ऊपर स्मॉल बर्ड्स होती हैं. कैरेट के यहाँ पे आपने देखा है ना, ग्रीन ग्रीन बर्ड होती है एक. अ पीस ऑफ फ्रूट अलोंग विद द बर्ड इज कट एंड प्लांटेड इन द सॉइल. कैरेट एक रूट है, उसका एक पीस कट करना है अलोंग विद बर्ड, और इस वाले पार्ट को सॉइल में प्लांट करना है. अंडर सुटेबल कंडीशंस दीज बर्ड्स डिवेलप फ्रूट शूट एंड फॉर्मिंग अ होल न्यू प्लांट. जब भी उनको फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी, वो उनमें अपनी रूट्स डेवलप होंगी, उसके बाद शूट्स बनेंगी, देन एक नया प्लांट बनेगा. बट क्या होती है? स्मॉल लंप, एक छोटा सा लंप ऑन द प्लांट पार्ट फ्रॉम विच अ न्यू प्लांट कैन ग्रो. एक छोटा सा लंप होता है प्लांट पार्ट के ऊपर जिससे एक नया प्लांट बन सकता है, दैट इज कॉल्ड बड. दिस इज फॉर नाउ स्टूडेंट्स. You will get a worksheet regarding this topic. Let's give it a try. Happy learning. Thank you.